पीडब्ल्यू मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक मौजूदगी में भोपाल में होने जा रहा जनजाति महोत्सव राजनीति से ऊपर उठकर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जरूर जनजाति समुदाय के लोगों को ठगने का काम किया है। पीडब्ल्यू मंत्री गोपाल भार्गव से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता निर्मल सिंह दास ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी हैं। भार्गव साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं पीएम साहब का दौरा और खासकर उपचुनाव के बाद? पूरा प्रदेश प्रतीक्षा कर रहा है 15 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी हमारे भोपाल में आदिवासी गौरव जो जनजाति समाज का गौरव दिवस उसके लिए संबोधित करने आ रहे हैं और भी अन्य कार्यक्रम इसके साथ है लेकिन मूल कार्यक्रम यही है। जनजाति समाज हमारे प्रदेश में और प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, राजनीति में भी, सामाजिक बदलाव में भी, आर्थिक उन्नति में भी और हमारे मूल स्वरूप को कायम रखने में भी। उस समाज की कोई अपेक्षाएं नहीं होती, कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। एक ऐसा भूला भाला समाज, बड़ी संख्या में 2 लाख से ज्यादा लोग हमारे बीच में रहेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री का होगा, देश भर के आदिवासी नेता भी उसमें सम्मिलित होंगे, मंच पर रहेंगे, उनके भी संबोधन होंगे, तो अपने आप में यह मेरे विचार से शायद प्रदेश का अपने आप में एक अभूतपूर्व भी और अभिनव कार्यक्रम होगा। भार्गव साहब, आपने कहा कि जनजाति की कोई अपेक्षा नहीं होती, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, लेकिन राजनेताओं के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा महत्व रखते हैं, सरकार बनना बिगड़ना दोनों ही उनके ऊपर रहता है, तो क्या वोट बैंक की राजनीति से कहा जा सकता है? क्योंकि इसी दिन इसकी कार्ड के रूप में कांग्रेस भी जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस ने तो लगभग 50-60 साल जनजाति की एक तरफ वोटें ली, अनुसूचित जाति के हमारे भाई हैं उनको भी, जनजाति के लोग तो बहुत भोले होते हैं, तो उन्होंने कभी इंदिरा गांधी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे लोगों को ठगा। मुख्यमंत्री जी, उपचुनाव की जीत भी प्रधानमंत्री जी को तोहफे में देने वाले हैं और आपने भी काफी मेहनत की उपचुनाव में, क्या कहेंगे इस बारे में? मेहनत तो थी, ये बात तो सही है, थोड़ा वो पृथ्वी पर मैं मान के चलता हूँ कि शायद सबसे कठिन सीट पिछले समय से भी रही है। 25 वर्षों तक एक ही व्यक्ति वहां पर और एक ही परिवार वहां पर एक प्रकार से राजनीतिक रूप से स्थापित भी रहा, रसूखदार भी थे, उनका वहां पर काफी दबदबा कहूं और दबंग लोग थे और इस कारण से अन्य लोग उनसे, क्योंकि कई घटनाएं बीच में हुई, जैसे हमारे सुनील नायक जी का मर्डर हुआ, सारी बातें हुई, तो इस कारण से भी लोग काफी एक प्रकार से डिफेंसिव थे। तो इस जीत पे क्या दबंगों से मुक्ति मिल गई पृथ्वीपुर को? नहीं, मैं अभी नहीं मान के चलता हूं कि पूरी तरह से मुक्ति मिली, लेकिन ये सिर्फ चुनाव 2 साल के लिए थे। मैंने लोगों को ये समझाया कि आप हमारे कैंडिडेट को देख लें, उनको आपने 25 साल दिए, हमारे कैंडिडेट के लिए आप 25 महीने दे दें, इन 25 महीनों में यदि हमारा कैंडिडेट 25 साल से भी ज्यादा काम नहीं कर पाया, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी लोगों के प्रति उस समर्पण की भावना यदि बेहतर नहीं हो, तो आपके पास भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। 25 महीने का लगभग 2 साल का वक्त है, तो 2 साल के वक्त में आप देख लें, एक प्रकार से प्रोबेशन पीरियड है, परिवीक्षा अवधि है, परिवीक्षा अवधि में यदि खड़ा उतर जाए तो 2 साल बाद फिर चुनाव होना है, सभी मैदान में आएंगे, तो फिर आप निर्णय कर लेना, आपको बेहतर लगे तो उसको स्वीकार फिर से कर लेना, नहीं लगे तो आप खारिज कर सकते हैं, ये तो जनता जनार्दन है, उसके हाथ का काम है लोगों के गले इस बात को। आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़ा सवाल भी कर लेते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने से काफी राहत महसूस हुई है, आपने क्या महसूस किया, खासकर किसानों के प्रति, किसानों में इसको लेकर कितना कुछ रिलीफ मिला, नहीं मिला या और दाम कम होना चाहिए? ये भाव किसी चीज के भी कम होते हैं, खासतौर से ऐसी चीजें जो हमारे दैनंदिन उपयोग की हैं, खासतौर से डीजल और पेट्रोल, मैं मान के चलता हूं कि ये कार से प्रशंसनीय है और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है, किसी ने किंतु परंतु लगाए किया, किसी ने खुले रूप से किया है, बस ये।
आखिरी सवाल भी जो है आम जनता से जुड़ा हुआ है, वैसे तो ये कई विभागों से जुड़ा हुआ है, मामला सड़क का है, कितने परसेंट ठीक हो चुकी है और जो कहीं के गड्ढे बचे हैं तो वो कब तक एश्योर करते हैं आप इसको? ये मैंने सर्वे करवाया अभी पूरे, लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी सड़कें मध्य प्रदेश की इस वर्षा काल में डैमेज हुई थी, तो मैंने टास्क दिया कि 1 महीने के अंदर इन सारी सड़कों के लिए आप लोग ठीक करें, तो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों सबको ये हिदायत दी गई है और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर सारी भोपाल शहर सहित, हालांकि जैसा ही आपने कहा कि यहाँ की अधिकांश सड़कें नगर निगम या CPA वगैरह उसके अधीन है, लेकिन जो PWD का हिस्सा है उसको हम ठीक करने का काम 1 महीने में कर लेंगे। शिवराज मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों में शुमार गोपाल भार्गव जी, जिन्होंने ये दावा किया है कि आम जनता को पेट्रोल डीजल से तो राहत मिली है, साथ ही जो गड्ढे हैं उनसे भी निजात मिल जाएगी, साथ ही कई मुद्दों पे उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस से अपने विचार साझा किए। कैमरामैन पाटीदार के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल।